हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है छोटी दिवाली और कल बड़ी वाली है। तो अभी तो मैं जा रही हूँ अपने बुआ जी के घर और हमारी पूजा वगैरह हो गई है और आज हम वहीं पे जाके अपना डिनर करने वाले हैं। और हमारी सोसाइटी देख लीजिए, ये लाइट्स वगैरह सब जल रहा है। और कल तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि कल तो बड़ी दिवाली है, तो कल तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अभी हम चलते हैं अपने बुआ जी के घर। और बहन जी, जल्दी से स्कूटी चालू करिए, चलते हैं, लेट हो रहा है। हमारे घर के सामने जो संस्कार भवन है वो भी सजा दिया गया है दिवाली की वजह से। बड़ी अलग रहा है, दिवाली में बहुत रौनक हो जाती है, ठंड भी हो गई है और दिवाली के टाइम पे रौनक बहुत हो जाती है। लाइट्स वगैरह बढ़िया, बहुत हैपनिंग लग रहा है ना। भगवान जी की, माता जी की, लक्ष्मी जी। अभी हम पहुंच कर, तो अभी हम बीच में रुके हुए हैं और मेरी बहन जलेबी ले रही है, तो थोड़ा सा मावा जलेबी। हम बुरहानपुर की मावा जलेबी, यहाँ बहुत भीड़ होती है बहुत ज़्यादा, और बहुत अच्छी और मस्त जलेबी देता है। ले लिया जलेबी? हाँ, जलेबी ले ली है हमारी, पैक करवा के, और हम जा रहे हैं। अभी गर्म भी है, हाँ गर्म है, चलते हैं। अभी हम आ चुके हैं अपने बुआ जी के घर और ये देख सकते हैं आप, लाइटिंग्स वगैरह इन्होंने भी लगवा ली है। तो चलते हैं हम अंदर। खोलो खोलो गेट खोलो, अरे गेट ही नहीं खुल रहा है। हाँ भाई, अच्छे से एकदम तैयारी पूरी लगाई हुई है, मैं नॉक कर देती हूँ। तो अभी हम आ गए अंदर। अंशु, हेलो अंशु, क्या चल रहा है? सब बढ़िया, आप कैसे? अच्छा, मैं भी अच्छी हूँ। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। वैसे कल बड़ी दिवाली है लेकिन ठीक है, हम दोनों दिन मनाएंगे। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते, नमस्ते। अरे आज मैं तुम्हें देख रही हूँ। और ये देखो भाई, क्या मस्त, मतलब एकदम कचौड़ियाँ बन रही है, हमारी बुआ जी की तैयारी चल रही है। यहाँ पे तेल वेल भी सब गरम गरम हो गया है, एकदम रेडी। आज मिलेगा खाने को हमें गरम गरम कचौड़ियाँ मिलेगी। ये देखो, ये सही कचौड़ी इसके तेल के अंदर। मजेदार, एकदम एकदम मजेदार। ये आ जाएगा मजा, ये मजा आ जाएगा ठंडियों में, गर्मा गर्म कचौड़ियाँ आलू की। आलू की कचौड़ियाँ भाई। बताइए क्या क्या है इसमें? इसमें देखिए, आलू प्याज की कचौड़ी है ये। ओके, है इसमें मैंने पहले आलू उबाल के रख लिए, उसके बाद आटा गूंथ लिया। आटे में अजवाइन डाला है, मोयन डाला है, नमक डाला है, फिर उसको गूंथ के रख दिया है। ओके, पानी डाल के फिर आलू छील के उसका मसाला बनाया। उसमें हींग डाली, जीरा, सौंफ डाली, खड़ी धनिया, चाट मसाला डाला है। आज तो ना मजा आने वाला एकदम। लाल मिर्च डाली, वाह वाह, हरी मिर्च, प्याज भून के अच्छे से। अच्छा, तो आपने ये फ्राई किया हुआ है क्या? हाँ, मसाला फ्राई करके रखा। अच्छा, फ्राई वाली कचौड़ियाँ, फिर उसको ठंडा करके और अब उसको भर भर रही है थोड़ी थोड़ी। हाँ, बन रही है, पलटी है। ये देखिए कचौड़ी का स्वाद आएगा। और ये सिंपल वो आटे वाली कचौड़ी है? आटे वाली है। ओके, मैदा की नहीं है ये। ये आटे वाली है। नवाज जागृति हमारे दिवाली की, अभी तो मतलब पूजा पूजा वही और लाइटिंग्स वगैरह लगा लिया बस। अच्छा, वही सब। अच्छा, और तो ज्यादा कुछ नहीं। कल पटाखे वटाखे फोड़ेंगे, कल ज्यादा खाना वाना बनाएंगे। ये बन रही है। इसको गर्म कचौड़ियाँ, इस तरफ से ज्यादा आटा है ना, तो इसको निकाल के बाहर रख दो और इसको इस तरह से ये कचौड़ी तैयार हो गई। ये देखो, हो गई कचौड़ियाँ तैयार, बन रही एकदम गर्मा गर्म कचौड़ी। सिक रही है, सिक रही है। कब तक बन जाएंगी? बस 5 मिनट में।
ओके 5 मिनट में तैयार। मावा वाली जलेबी लेके आए हैं। ओके मावा वाली जलेबी रास्ते में मिल रही थी ना। अच्छा, अच्छा। वो बुरहानपुर में इतनी भीड़ लगी होती है वहाँ पे बहुत। थैंक यू कचौड़ी उसके लिए जलेबी नमकीन के साथ मीठा हो जाएगा। हाँ मैंने अंशु को पूछ लिया आप लोग खाते हो कि नहीं खाते हो तो ले लूँ मैं। नहीं खा ले। तो अभी ये रेडी हो गई है हमारी गरम गरम यूपी की स्पेशल आलू की कचौड़ियाँ। निकाल लेते हैं अब इनको तेल से। एकदम गोल्डन एकदम फ्राई मस्त हो गई है। बाकी का हमें वेट करना होगा। ये तीन बन गई और दूसरी भी डल गई। और क्या बढ़िया लग रही है एकदम एकदम मज़ेदार। तो अभी तो बन रही है हमारी कचौड़ियाँ और जब बन जाएगी उसके बाद हम करेंगे मज़े इंजॉय खाएंगे मावा जलेबी के साथ मज़ा। तो ये हो गई हमारी कचौड़ियाँ रेडी और हमारी बुआ जी भी एकदम रेडी और बुआ जी की स्कर्ट भी एकदम मस्त। बुआ जी अपने कपड़े तो दिखा दीजिए थोड़ा सा स्कर्ट वगैरह एकदम शाइनी स्कर्ट बहुत बढ़िया लग रही है। चलिए बुआ जी हमारी बहुत अच्छी लग रही है। अब खाना अपन शुरू करते हैं ना। हाँ कचौड़ियाँ रेडी है बिल्कुल। समय भी हो गया है खाने का। है बिल्कुल चलते हैं। चलिए चलो बच्चा पार्टी चलो। और ये फूल भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। हाँ बहुत प्यारा लग रहा है। क्या लग रहा है सच में मतलब क्या लग रहा है देखो आप इधर आके। आज ही तो दुला उसकी दुलाई करी देखो मस्त है ना। तभी तो मैं लाई ऊपर से मैंने कि दिवाली पे कितना प्यारा लग रहा है वाकई में। और ये नीचे का तो और ही अच्छा आ गया एकदम रेडी। खाना वाना सब रेडी है। ये चटनी है चटनी जलेबियाँ कचौड़िया ये चटनी मिनल की प्लेट लग गई। भैया जलेबियाँ कचौड़ियाँ बढ़िया बढ़िया। ये देखो और ये बुआ जी का पालतू कुत्ता है जो बहुत बरसों पुराना है। बहुत ही ज्यादा परसों पुराना है मुझे मैं जानती हूँ इसको काफी अच्छे से। भूखता भी नहीं है बहुत सही है। दूर से क्यों लेते हो ये लीजिए टपक जाती है। ये हमारी कचौड़ियाँ ये जबरदस्त खाने में एकदम मजेदार लगने वाली है। चटनी और ये चटनी मज़ा। मैं भी लेती हूँ भाई ये रही कचौड़ी कैसी बन पाए। वाकई क्रंची स्पाइसी भी बहुत सही और बहुत टेस्टी है। अब चटनी के साथ भी हो भाई बुआ जी ने इतनी टेस्टी और यम्मी और बेहतरीन बनाई है। मज़ा आ गया आपको कचौड़ी और छोटी दिवाली में एंजॉय की खाना खाया और मिठाई खाई बहुत मजा आया। और ऐसे ही हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम चलते हैं अगली बार फिर आइएगा। हाँ हाँ और देखो भाई अंशु आगे खड़े हो गए हार नहीं पाए। ठीक है हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय।